पुलिस के ऊपर कोई भी फायरिंग करेगी, कोई भी व्यक्ति, तो पुलिस माला और फूल नहीं बरसाएगी, उसका आधार कार्ड नहीं मांगेगी, अपना आधार कार्ड तो देखे किस जाति के। 7 साल में जो अपराधी इनकाउंटर हुए हैं, 67 मुसलमान, 20 ब्राह्मण, 18 राजपूत, 17 गुजर और जाट, 24 अति पिछड़ा और 24 अन्य, तो खाली मंगेश यादव पर चर्चा क्यों? क्या राहुल जी और अखिलेश जी ये बताएंगे कि सुल्तानपुर की घटना में मंगेश यादव था कि नहीं था? मुसलमान पे चर्चा क्यों नहीं, ब्राह्मण पे चर्चा क्यों नहीं, राजपूत पे चर्चा क्यों नहीं, जाट गुजर पे क्यों चर्चा नहीं, पटेल पे चर्चा क्यों नहीं? कल तक पुलिस के ऊपर उंगली उठा रहे थे और आपकी टीम अपराधी के साथ जाकर के रसमलाई काट रही है। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सैमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल, सुल्तानपुर का नंबर 1 इंग्लिश मीडियम स्कूल। ललितपुर में सपा की टीम गई थी, जो आरोप पुलिस पे लगा रहे हैं वो तो खुद पुलिस के साथ खड़े हो गए ललितपुर की घटना में, देखा कि नहीं अभी आपने? दूसरी बात, अभी गाजीपुर में दिन दहाड़े संदीप यादव दर्जनों साथियों को साथ राइफल और ये रिवॉल्वर और लेकर के गाड़ियों के साथ खड़ा हुए और फायरिंग हुई। अगर संदीप यादव पकड़ा गया अभी, अब उस पर तो बयान नहीं आ रहा है कि ये क्यों घटना हो गई गाजीपुर में। तो घटना देखिए, पुलिस के ऊपर कोई भी फायरिंग करेगी, कोई भी व्यक्ति, तो पुलिस माला और फूल नहीं बरसाएगी, उसका आधार कार्ड नहीं मांगेगी, अपना आधार कार्ड तो देखे किस जाति के हो। पुलिस अपने बचाव के लिए गोली चलाएगी। मंगेश यादव की घटना की चर्चा तो हो रही है, लेकिन उस घटना में शैलेश राजभर को गोली लगी है, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उस पर तो चर्चा ना अखिलेश जी कर रहे हैं ना राहुल जी कर रहे हैं, खाली उनको दिखाई दे रहा मंगेश यादव। 67 साल में 67 अपराधियों का इनकाउंटर हुआ जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, 20 ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, 18 राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, 17 जाट गुजर। मान लिया कि फर्जी इनकाउंटर है, तो क्या उस केस में वो इन्वॉल्व था कि नहीं? क्या राहुल जी और अखिलेश जी ये बताएंगे कि सुल्तानपुर की घटना में मंगेश यादव था कि नहीं था? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप मंगेश यादव की जितनी चर्चा कर रहे हो, 7 साल में जो अपराधी इनकाउंटर हुए हैं, 67 मुसलमान, 20 ब्राह्मण, 18 राजपूत, 17 गुजर और जाट, 24 अति पिछड़ा और 24 अन्य, तो खाली मंगेश यादव पर चर्चा क्यों? मुसलमान पे चर्चा क्यों नहीं, ब्राह्मण पे चर्चा क्यों नहीं, राजपूत पे चर्चा क्यों नहीं, जाट गुजर पे क्यों चर्चा नहीं, पटेल पे चर्चा क्यों नहीं? आप एक जाति को जातिवाद बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे कि जातिवाद कर रहे हैं। क्या किया ललितपुर में? कल तक पुलिस के ऊपर उंगली उठा रहे थे और आपकी टीम अपराधी के साथ जाकर के रसमलाई काट रही है और शाबाशी दे रही है पुलिस को, है ना ललितपुर का घटना? अब उस पर क्या बोलेंगे? आपको ले चले गाजीपुर दिन दहाड़े असलहे के साथ, फोर व्हीलर गाड़ी दर्जनों लोग पहुंच करके एक पटेल की हत्या करने की नीयत से पहुंच गए, फायरिंग हो रही है, कानून का भय नहीं है, इस पर तो नहीं कुछ कहेंगे, न राहुल जी बोलेंगे न अखिलेश जी बोलेंगे। परिवार न्यायिक। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।